तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने स्मार्ट टीवी पर होम थिएटर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो होम थिएटर है वो है इंटेक्स का है। अगर आपके पास है कोई भी कंपनी का होम थिएटर, तो कैसे उसको अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कोड की ज़रूरत पड़ता है, कौन सा केबल चाहिए, तब जाके आप जो है अपने होम थिएटर पे डायरेक्टली वायर केबल वाला कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका होम थिएटर ऐसा है कि वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए जो केबल की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह का केबल होना चाहिए। कुछ दो कोड इस तरह से होगा एंड एक इस तरह से कोड होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो कुछ इस तरह का केबल है जो कि मार्केट में आपको 50 से 100 रुपये के अंदर में ये आपको ये केबल मिल जाता है, ठीक है। दो और इस तरह का एक मोबाइल आइकन की तरह इस तरह से रहता है, ठीक है। अब इसको कहाँ पे कैसे लगाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको टीवी को थोड़ा सा इस तरह से मूव कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको माइक वाला है जो कि आपको इसे इनपुट करना है, ठीक है। तो इसको जो है दोस्तों आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरह से टीवी पे आपको डाल देना अच्छी तरह से, ठीक है। अब इतना होने के बाद दोस्तों अब हमारे पास जो बच गया है वो है दोस्तों ये केबल, ठीक है। अब इसको इंटेक्स में आपको अपने होम थिएटर में कैसे कनेक्ट करना है आइए आपको बताते हैं। तो एकदम सिंपल आसान तरीका आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला तो दोस्तों ये जो हमारा स्पीकर है, या देखिए मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से, ये जो दोस्तों स्पीकर है, या चाहे जितना भी स्पीकर हो, ठीक है, कोई सा भी स्पीकर हो, ये स्पीकर है। तो स्पीकर को दोस्तों आपको पुट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चार है, अगर आपके पास 6 है 10 है कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्पीकर वाले ऑप्शन पे डालना है स्पीकर को पहले, ठीक है। उसके बाद टीवी से जो कोड आया है उसको दोस्तों आपको एल साइड में डालना है इस तरह से। अगर आपको डाउट लग रहा है कि कौन सा किस में डालना है, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जिसपे दोस्तों स्पीकर का कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, उसको आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है स्पीकर का कौन सा है और टीवी का कनेक्शन किस में करना है, ठीक है। तो स्पीकर आपको पहले लगे रहना है, उसके बाद जो बच रहा है उस पर आप डाल दीजिए वाइट वाला, ठीक है। अब चाहे तो इसको आपको नहीं डालना है, ये जो रेड वाला है इसको आपको छोड़ देना है, सिर्फ वाइट वाला को आपको डालना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, टीवी पे सेटिंग्स मिलता है, टीवी पे सेटिंग्स करने का होता है, कैसे करना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको YouTube पे चलकर वीडियो को प्ले करता हूँ और देखता हूँ मेरा होम थिएटर जो है वो बज रहा है या नहीं। चलिए मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे आ चुका है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैं इस तरह से प्ले कर ले रहा हूँ एक तो वीडियो। थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैंने ये वीडियो प्ले किया, लेकिन अभी जो सॉन्ग जो अभी जो बज रहा है दोस्तों ये खाली टीवी स्पीकर बज रहा है, ठीक है। यहाँ होम थिएटर अभी नहीं बज रहा है। क्यों नहीं बज रहा है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ होम थिएटर का मैंने वॉल्यूम भी दे दिया हूँ, ठीक है, पूरी तरह यहाँ से वॉल्यूम दे दिया हूँ, लेकिन अभी जो प्ले कर रहा हूँ सिर्फ होम थिएटर, ये सिर्फ टीवी का स्पीकर बज रहा है। होम थिएटर के लिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक तो साउंड ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इस तरह से, यहाँ पे जो है, अच्छा ठीक है ना, मैं इस तरह से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक तो दिखेगा साउंड आउट इंटरनल टीवी स्पीकर प्लस ऑफिशनल रहेगा, तो इसको आपको सेटिंग को चेंज करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है साउंड पे क्लिक करना है और इस तरह से आना है इंटरनल टीवी स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा इंटरनल टीवी स्पीकर प्लस वायर्ड हेडफोन, ठीक है, ये वाला सेटिंग को आपको करना है। क्या लिखा रहेगा आप एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटरनल टीवी स्पीकर प्लस वायर्ड हेडफोन, ठीक है, इस पर कनेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको ओके कर लेना है, अब आपको प्ले करना है, ठीक है। ये आप सेटिंग हो गया है, आपको सेटिंग कट कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को प्ले करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हिल गया है थोड़ा सा, सो गाइस देख सकते हैं अभी जो है हमारा साउंड एकदम सर्किट हो चुका है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये आप हो चुका है, आप सुन सकते हैं स्पीकर में, तो अब मैं जो है यहाँ से टीवी का जो साउंड होता है उसको ये कर दिया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी का साउंड अब नहीं आ रहा है, सिर्फ इसको प्ले करते हैं होम थिएटर को, सिर्फ होम थिएटर बज रहा है, आप देख सकते हैं।
और अगर टीवी का स्पीकर देना हो तो इस तरह से आप टीवी के दे सकते हैं। अब टीवी भी बज रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी है। तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।